हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज वैलेंटाइंस वाला दिन है तो काफ़ी सारे लोग जितने भी अपने ऐसे कंटेंट लेके आ रहे हैं जिसके अंदर प्यार मोहब्बत की बातें होने वाली हैं, चाहे सीधी रास्ते से हो चाहे ट्विस्टेड रास्ते से हो। जैसे लव होस्टल के अंदर थोड़ा ट्विस्टेड है और जिसमें बिल्कुल प्लेन वनीला स्ट्रेट चलता है, वो है राधे श्याम। एक लव स्टोरी है जिसके अंदर क्या ट्विस्ट है वो तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों को कि वो थिएटर्स में जाके ही देखें। 11 मार्च को ये रिलीज़ हो जाए। बहरहाल, इसका एक और ग्लिम्स रिलीज़ हुआ है और आज हम बात करने वाले हैं ग्लिम्स कैसा है प्रभास का, और साथ ही साथ में इसमें पूजा हेगड़े हैं, उनकी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है जो कि थोड़ी नोक झोंक वाली है, और पीछे एक लैटिन म्यूजिकल सॉन्ग चल रहा है जो कि सुनने में अच्छा लग रहा है, विजुअली अच्छी लग रही है। जो प्रभास है उनकी बेस से भरी आवाज़ अच्छी लग रही है, बट कुछ भी नया नहीं है। नथिंग इज़ अपीलिंग अबाउट दिस टीज़र एक्सेप्ट द फैक्ट इट विल बी एट अ ग्रैंड स्केल। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा मुझे देख के, थोड़ा सा इतना अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि जितना भी मटेरियल अभी तक आया है राधे श्याम का वो ऐसा नहीं आया कि आई विल जंप ऑन टू दिस कॉन्टेंट। मुझे जो एंटिसिपेशन, ईगरनेस, एंजाइटी होनी चाहिए किसी मूवी देखने के लिए, वो शायद ये मूवी बना नहीं पा रही है अभी तक। और अब भी ये फर्स्ट ग्लिम्स, अनदर फर्स्ट ग्लिम्स देखिए, और उसके बाद अगर आपको मेरे विचार से सहमत हो तो आप मेरे को बताओ, अदरवाइज अगर आपने कुछ और नोटिस करा तो वो भी बताओ। एक चीज़ थोड़ी अनयूजुअल मैंने नोटिस करी कि प्रभास के यहाँ पर एक पट्टी सी लगी हुई है, जैसे उसका कोई एक्सीडेंट हुआ और फिर वो पूजा नाम लेके खड़ा होता है, तो वो क्या है वो समझने वाली बात होगी। ओवरऑल बेसिस में मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा अपीलिंग लगा नहीं। हालांकि 11 मार्च को आई एम श्योर प्रभास हमें सरप्राइज करेंगे, क्योंकि उनको लिखे अगर कोई मूवी बना रहे हो और प्लेन वनीला सिर्फ लव स्टोरी बना रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। आई वॉन्ट टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट ये जो अभी ग्लिम्स आया ये इतना अपीलिंग नहीं लगा। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर तो अभी क्या देना, तो मेरा भी फिलहाल के लिए थम्स डाउन है इसको लेके। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।